आइए हम खुदावंद के पाकलाम की तरफ रजू करें और आज की सुबह हमारे लिए जो मतन है खुदावंद के पाकलाम में से जिसको हम तिलावत करेंगे वो है बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब यानी मुकाशफा की किताब उसका छठा बाब और उसकी नौवीं आयत से 17वीं आयत तक और इन आयात को हमारे लिए मिस्टर जुहेब रोबन तिलावत करेंगे। आइए हम उनकी ज़ुबान से खुदावंद के पाकलाम की तिलावत को सुने। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाकलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत। खुदावंद के पाकलाम में कुछ यूं मरकूम है, और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखीं जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बाइस मारे गए थे, और वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर बोली कि ए मालिक, ए कदूसो बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक के तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा बौंचाल आया और सूरज कमल की मानिद काला और सारा चांद खून सा हो गया, और आसमान के सितारे इस तरह ज़मीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं, और आसमान इस तरह सरक गया जिस तरह मकतूब लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया, और ज़मीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रे के गज़ब से छुपा लो, क्योंकि उनके गज़ब का रोज़े अजीम आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। कलामे पाक का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। हमारा मुल्क इन दिनों में मसीहियों के लिए खास तौर पर इज़हार आसानियों का गढ़ बन चुका है। हर तरफ हमें जुल्म ही जुल्म नजर आता है। हम आवाज बुलंद करते हैं लेकिन हमारी सुनता कोई नहीं है। हमारी हालत ऐसे परिंदे की मानिंद हो चुकी है जो जिंदान में पिंजरे में बंद हो और वो महज हर जुल्म पर हर सितम पर वो महज अपने पर फड़फड़ाकर रह जाता है। यूं लगता है कि ये जुल्म ये मुसीबतें अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। हम इसे हर एक इस मुल्क में खौफ में जिंदगी बसर कर रहा है, इसलिए चंद
जो सर फिरे हैं मेरी तरह के लोग, उनके अलावा आप किसी का दिल टटोल कर देख लें, खोल कर देख लें, आपको एक ही ख्वाहिश मिलेगी, किसी तरह से हम इस मुल्क से किसी और जहान में, जहां आसानियां ही आसानियां हों, वहां पर चले जाएं। मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि जब सरगोधे में भाई नजीर की मेमोरियल सर्विस हुई तो उन तमाम लोगों ने जो इंतजामात कर रहे थे, खानदान के लोग और पासवान और प्रेस्बिटेरियन चर्च के जो लीडरशिप है, उन तमाम लोगों ने मिलकर यह फैसला किया और ये इज्जत उन्होंने मुझे बख्शी कि मैं वहां पर खुदा के पाक कलाम की खिदमत करूं। उस दिन एक बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि काश हमारी आवाज हुकूमत के ईवानों तक पहुंचे और कोई हमारे आंसू पूछने वाला आगे बढ़े, कोई हमारे दुखों का मदावा करे। उस दिन मैंने अमाल की किताब में से स्तिफनुस की शहादत को लोगों के सामने एक मॉडल सफरिंग के तौर पर, एक नमूने के तौर पर, दुख उठाने वाले शख्स जो सबसे पहला शहीद है उसको बयान किया। मैंने आज सुबह इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मर्तबा फिर आपसे बात करने का फैसला किया है और मैंने इस मतन का इंतखाब किया जहां पर हमारे सवाल का जवाब दिया गया है कि हम क्यों बेबसी की हालत में इस दुनिया में दुख उठा रहे हैं। हम इस जवाब को मुकम्मल तौर पर समझें या ना समझें, लेकिन उसका जवाब इन आयात में जो आपके सामने तिलावत की गई हैं इनके अंदर मौजूद है। मुकाशवा की किताब का यह वो हिस्सा है जहां पर मुसीबत का बयान किया गया है, ट्रिबुलेशन जिसको हम कहते हैं, मुसीबत के अयाम का बयान किया गया है। एक और बात को ज़हन में रखिए कि मुकाशवा की किताब किसी तारीखी तरतीब के साथ उसके वाकयात को बयान नहीं किया गया। जिस तरतीब के साथ वाकयात इस दुनिया में हकीकत में हो रहे हैं, उस तारीखी तरतीब को के साथ यहां पर वाकयात को बयान नहीं किया गया, बल्कि जैसे जैसे खुदा रोयात दिखाता है मुकद्दस यूहन्ना को, मुकद्दस यूहन्ना उनको तहरीर करते जाते हैं। और यहां पर वो मुसीबत के अयाम का बयान करते हैं जिसको हम जो तकरीबन 7 बरस तक जारी रहेंगी और इन 7 बरसों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले 3.5 बरस हम उनको मुसीबत के अयाम कहते हैं और उसके बाद अगले 3.5 बरस उनको हम बड़ी मुसीबत के दिन या अयाम कहते हैं। ये वाक्यात जिनका यहां पर बयान किया गया ये बड़ी मुसीबत के अयाम हैं। उस वक्त कलीसिया या ईमानदार, खुदा उनको इस जमीन पर से उठा लेगा जिसको हम रैप्चर कहते हैं या सऊद फरमाना कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और कलीसिया को
इस दुनिया में से उठा लेंगे और इस दुनिया में फिर सिर्फ बदकार गुनेगार और वो लोग रह जाएंगे जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लाने से इनकार कर दिया है, इस धरती के सीने पर रह जाएंगे। उस वक्त ये वाक्यात होंगे। इस पूरे मतन में जो आपके सामने आज सुबह तिलावत किया गया, बुनियादी तौर पर दो दुआओं का जिक्र किया गया है। दो मुख्तलिफ गिरोह हैं और दो मुख्तलिफ जगहें हैं जहां से दो गिरोह अपनी अपनी दुआ कर रहे हैं। एक गिरोह आसमान पर मौजूद है और वो आसमान पर दुआ करता है और दूसरा गिरोह इस धरती के सीने पर है और वो यहां पर दुआ कर रहा है। हम इसी मरकजी ख्याल को लेकर इस मतन को आज देखने की कोशिश करेंगे। इस मतन में पहले जिन लोगों का बयान किया गया वो आसमान पर मौजूद हैं। ये आसमानी लोग हैं और ये एक खास जगह पर मौजूद हैं। आप जानते हैं कि जब खुदा ने मुकद्दस मूसा को खैमा इज्तमा बनाने का हुक्म दिया तो खुदा ने उसके लिए बजलीएल को मुकर्रर किया। बजलीएल जिसके बारे में जिसका खिताब खुरूज की किताब उसके 31वें बाब में रूह अल्लाह कहकर किया गया है, उसके अंदर खुदाए पाक रूह था और खुदा ने उसको इल्म और फन से और हुनर से नवाज रखा था। खुदा ने मुकद्दस मूसा को हुक्म दिया कि बजलीएल के जरिए से वो हैकल को तामीर करे, वो खैमा इज्तमा को तामीर करे। हैकल तो बाद में बनी। जब खैमा इज्तमा तामीर हो रहा था तो खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि ये खैमा इज्तमा आसमानी हैकल के नमूने पर तामीर किया गया था। इसका नक्शा किसी इस दुनिया में बसने वाले आर्किटेक्ट ने तैयार नहीं किया था, बल्कि इसका नक्शा इसका नमूना आसमान पर मौजूद हैकल का नक्शा था और खुदा ने उसका दर्शन करवाया था मुकद्दस मूसा को। अगर आप इसके लिए स्पोर्टिंग हवाला देखना चाहते हैं तो मेरे साथ देखिए इब्रानियों के नाम खत उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत। वहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे यह हदायत हुई कि देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीजें बनाना। खुदा ने मुकद्दस मूसा को सारी चीजों का हत्ता के जो जरूफ खैमा इज्तमा में थे उनका नमूना भी उसको दिखाया था। इसलिए जब हम खैमा इज्तमा की या मजबे की, चूंकि यहां पर लफ्ज मजबा आया है इसलिए मैं इस, या कुर्बान का आया है, आल्टर का लफ्ज आया है इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। ये कुर्बान का या ये वो जगह जहां पर जानवरों की कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, जहां से कुर्बान होने वाले जानवरों का लहू बहता था, जहां बल्ले को भी एक दिन जबा होना था, इस कुर्बानगाह का जिक्र यहां पर किया गया है। और ये कुर्बानगाह उस
उन चीजों का अक्स है जो आसमान पर हैं। इसलिए अगर आपको आसमान पर किसी कुर्बान का जिक्र मिलता है तो आप हैरान ना हो, आप परेशान ना हो कि आसमान पर कैसी कुर्बान का है। जो कुछ जमीन पर हो रहा था और हो रहा है आज भी, ये सब कुछ आसमानी दुनिया का अक्स है। ये सारी चीजें सब कुछ आसमानी दुनिया में मौजूद है। तो खुदा ने उसका अक्स इसको दिखाया था और यहूदी जो इबादत कर रहे थे वो महज अक्स था आसमानी चीजों का। सो ये कुर्बान गाह हमें नजर आती है यहां पर, और यहां पर रूहें हैं, यहां पर रूहें मौजूद हैं, और ये रूहें वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातर कुर्बान होने के लिए पेश की थी। ये रूहें उन लोगों की रूहें हैं जो इंजील की मुनादी करते हुए या यीशु के नाम पर ईमान रखने की वजह से इस दुनिया में शहीद किए गए थे। ये उन लोगों की रूहें हैं। यहां पर मैं एक और चीज की वजाहत करना चाहता हूं, और वो वजाहत ये है कि ये कलाम का ये हिस्सा हमें एक बड़ी खास बात सिखाता है। दुनिया में जो लोग बकाए रूह पर ईमान रखते हैं कि जी रूहें बाकी रहती हैं, जिंदा रहती हैं, वो लोग बशमूल मसीहियों के चार जगह हैं जिनके बारे में उनका ख्याल है कि रूह मरने के बाद चली जाती है। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि मरने के बाद रूहें पर्गेटरी में चली जाती हैं, एक ऐसी दुनिया जो जिसको हम आलम अरवाह कहते हैं, वहां पर चली जाती हैं और एक खास वक्त तक अपने कामों का हिसाब देती हैं, उनको सजा में से गुजरना पड़ता है। ये जगह पर्गेटरी जिसका मैं नाम आपके सामने बयान कर रहा हूं, इसके बारे में तसव्वुर किया जाता है कि ये कैसी जगह है जहां पर रूहों को सजा दी जाती है और रूहों की सफाई की जाती है, उनको साल हर साल तक उनके गुनाहों के मुताबिक वहां पर रखा जाता है, और एक खास वक्त पर जब रूहें पाक साफ हो जाती हैं फिर उनको खुदा की हजूरी में पेश किया जाता है। दूसरा ख्याल यह है कि रूहें कब्र में चली जाती हैं और वहां पर उनका हिसाब किताब किया जाता है, वहां पर उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन कलाम यहां पर यह बयान करता है कि ये रूहें ना तो कब्र में जाती हैं और ना ही ये रूहें आलम अरवाह में जाती हैं, और ना ही ये रूहें, एक तीसरा ख्याल ये है कि रूहें फौरी तौर पर उनको जहन्नम में भेज दिया जाता है। लेकिन ईमानदारों की रूहों के बारे में मैं एक बात आप सबके सामने वाजे कर देना चाहता हूं आज सुबह, और वो बात ये है, वो ख्याल ये है जो मसीही इल्मे इलाहियात जिसकी बुनियाद है, वो ख्याल ये है कि ईमानदारों की रूहें ना तो कब्र में जाती हैं, ईमानदारों की रूहें ना तो आलम अरवाह में जाती हैं, ईमानदारों की रूहें ना ही जहन्नम में जाती हैं, बल्कि ईमानदारों की रूहें बराह रास्त खुदा की हजूरी में चली जाती हैं।
वो खुदा के हजूर में बसती हैं, वहां पर रहती हैं। इसलिए हमें हलाक कर दिया जाए, हमें मार दिया जाए, हमें जुल्म की चक्की से गुजारा जाए, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन ईमानदार होने की हैसियत से हम अपनी शहादत और ईमानदार होने की हैसियत से मौत के बाद खुदा की हजूरी में जा बसते हैं। वो तमाम लोग जो यीशु के नाम की खातिर शहीद हुए, वो तमाम लोग जिन्होंने यीशु पर ईमान रखने की कीमत अदा की इस दुनिया में, वो लोग कहीं और नहीं हैं, बल्कि वो लोग खुदा की हजूरी में हैं। इसलिए जब आप आज के जदीद और मॉडर्न जमाने में जब आपको बेशुमार सहूलतें हैं, एक वाक्या कहीं पेश होता है, फौरन आपको वीडियो क्लिप्स मौजूद होते हैं, आपको मासूल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज सुबह मैं आपसे ये कहूंगा, जब आपको कोई ऐसी वीडियो वसूल हो जिसमें किसी मसीही शख्स पर जुल्म किया जा रहा हो, अगर उसको मारा पीटा जा रहा हो, आप उसको खून से लिथड़ा हुआ देखें, आपके आंसू निकल आए उसको देखकर, आप उसके बारे में गमगीन हो जाएं, आपका दिल भर आए, लेकिन इसके बावजूद इस हकीकत को अपने दिल में याद रखिएगा कि वो तमाम शख्स, वो तमाम लोग जिनके बदन खून में लिथड़े हुए आपको नजर आते हैं, वो अपनी मौत के बाद, वो अपनी शहादत के बाद खुदा की हजूरी में पहुंच जाते हैं, और दुनिया की कोई ताकत उनके इस सफर में रुकावट नहीं बनती। सो जो ही वो शहीद होते हैं इस दुनिया में, खुदा की हजूरी में चले जाते हैं। सो इस बात को आप कभी भी फरामोश ना कीजिएगा। इसीलिए बतौर ईमानदार आज तक आपने कभी कोई एक मिसाल भी देखी ना होगी जहां पर किसी शख्स ने इन जुल्म और सितम के सामने हार मानी हो और उन्होंने यीशु का इनकार किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस जुल्म को बर्दाश्त करने के बाद हम खुदा की बादशाहत में होंगे, और एक ऐसी बादशाहत जहां पर ये लोग दाखिल होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप अंदाजा कर सकते हैं कि हजारों या सैकड़ों लोगों पर, अगर मैं मुबालगा राई से काम ना लूं, सैकड़ों लोगों पर मुश्तमिल हजूम, उनके हाथों में उस दिन जो कुछ भी किसी के हाथ में आया, कोई पत्थर, कोई ईंट, कुछ भी, उन्होंने उस नहते शख्स पर, यानी हमारे भाई नजीर पर, उन्होंने उसको पूरे जोर के साथ फेंका। मैं हैरान हूं कि हम कभी कभार गुजरते हैं और किसी जानवर को हम कर्ब में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, तो हमारा दिल भर आता है। मैं बड़ा मजबूत शख्स हूं, लेकिन मैं कभी कभी जब ये जो मुर्गियों को ज़बह करते हैं उनको देखकर भी मेरा दिल भर आता है, जब वो तड़पती हैं। ये तो इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, और कोई जी होश शख्स इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका दिल ऐसी बातों को देखकर दहल ना जाता हो।
लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसी फिलॉसफी है, ये कैसे नजरियात हैं, ये कैसा ईमान है जो इनको दूसरों पर जुल्म करने का सबक देता है, जो इंसानियत को बर्बाद करने के बारे में कहता है, ये कैसा नजरिया है। लेकिन मसीही खामोशी के साथ जुल्म बर्दाश्त करते हैं, और यह खामोशी हमारे ईमान का सबूत है कि वो जानते हैं कि कर लें ये जो कुछ हो सकता है इनसे, कर लें, मार दें, खत्म कर दें हमारे जिस्मों को, लेकिन हमारी असल यानी हमारा रूह विद इन नो टाइम, जो ही हम इस दुनिया से जाएंगे हमारा रूह खुदा के पास चला जाएगा डायरेक्टली। दरमियान में कोई स्टॉप ऐसा नहीं है जहां पर उसको रुकना है, नहीं, डायरेक्ट विद इन नो टाइम। इधर शहादत हुई, उधर खुदा के पास, मज़बे के पास। जब उसने पांचवीं मोहर खोली तो मैंने, यानी यूहन्ना कह रहा है, जब पांचवीं मोहर खुली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। वो रूहें देखी, इन्होंने कुर्बानी दी है। यहां पर ये लिखा है कि वो मारे गए, दे वर स्लेन, कुर्बानगाह पर इस वक्त मौजूद हैं उनकी रूहें, और वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से मारे गए हैं। ये लोग खुदावंद के नाम की खातर शहीद कर दिए गए हैं। कलीसिया की तारीख ये बयान करती है कि ये कोई नई बात मेरे और आपके लिए नहीं है, बल्कि कलीसिया के आगाज ही में स्तिफनुस को शहीद किया गया, और उसके बाद कुर्बानियों का एक या शहादतों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया, और उसमें फिर कभी कोई बंदिश नहीं आई। गुजरे 2000 बरसों से मसीही दुख उठा रहे हैं। कुछ ही अरसे के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, उनके कुछ ही अरसे के बाद नीरू बादशाह बन गया रोम का, और उसने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। आगाजी से मसीही मसरूफ कर किए गए, मसीहियों को जिंदा जलाया गया, उनको आरे से दरमियान में चीरा गया, और उनको हलाक करने के लिए, हर तरह की शहीद करने के लिए हर तरह की अजियत बख्शी गई, हर तरह की अजियत तहकीर में से ईमानदार उस वक्त से गुजरे हैं। ख्याल किया जाता है कि तब से आज तक अगर हम एक औसत तादाद निकालें तो तकरीबन 1.5 लाख मसीही हर साल शहीद कर दिए जाते हैं। आज तक जितने लोग शहीद हुए इन 2000 बरसों में 1.5 लाख मसीही औसत उनकी तादाद बनती है जिनको इस दुनिया में जुल्म बर्दाश्त जिन्होंने किया और वो शहादत के मर्तबे पर पहुंचे हैं। हमारी मौजूदा जमाने की तारीख ये बयान करती है कि तकरीबन 317 मिलियन लोग ऐसे हैं
जो पूरी दुनिया में किसी न किसी तरह से प्रेजुडिस, जुल्म और तहकीर की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको हर सात में से, दुनिया में हर सात में से एक मसीही हजार आसानियों का शिकार नजर आएगा। यह किसी और कौम की तारीख ऐसी नहीं है। हर सात में से एक मसीही आपको जुल्म और सितम बर्दाश्त करता हुआ नजर आएगा। और मैंने ये अदादो शुमार वर्ल्ड वॉच लिस्ट उससे लिए हैं, जिनको ओपन डोर नाम का इदारा जो हॉलैंड में है, नीदरलैंड में है, वो शाया करता है हर साल। मैंने उनकी वेबसाइट से ये अदादो शुमार हासिल किए हैं। दुनिया में एक गुजरे बरस में, यानी सिर्फ 2023 में 4,958 मसीहियों को शहीद किया गया है दुनिया में। इसी तरह से इज़ार सानियों के साथ, जिस तरह से हमारा भाई नजीर, उसको हलाक किया गया, शहीद किया गया, 4,958 लोग 2023 में शहादत के मर्तबे पर पहुंचे हैं मसीही। 14,766 गिरजाघरों पर हमले किए गए हैं पूरी दुनिया में सिर्फ 2023 में, और 4,125 लोगों को पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम पर ईमान रखने की वजह से गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया है। ये कोई मामूली अदादोशुमार नहीं है। यह अदादोशुमार आपको हालात की संगीनी से वाकफ करवाने के लिए मैंने पेश किए हैं, डराने के लिए नहीं किए। क्योंकि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान इज़ार सानियों में मसीहियों पर इज़ार सानियों के मामले में छठे नंबर पर आता है। पांच मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भी ऊपर हैं मसीहियों पर इज़ार सानी के मामले में। सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अकेले और तनहा नहीं हैं। हमारे साथ पूरी दुनिया में बेशुमार मसीही ऐसे हैं जो दुखों में से गुजर रहे हैं, और मसीहों को इस ईमान की वजह से उन पर हमले किए जाते हैं, उनको सताया जाता है, उनको मुसीबतों में डाला जाता है और उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाता है, उनके साथ तहकीर की जाती है, हत्ता के बहुत सों को शहीद कर दिया जाता है। लेकिन मेरा और आपका ईमान है, जैसा मैंने आपको बयान किया, कि शहीदों की रूहें कुर्बानगाह पर मौजूद हैं। कुर्बानगाह से मुराद वो जगह जहां खुदा है, जहां पर खुदा कुर्बानियों को कबूल करने के लिए मौजूद रहता है। हम खुदा की खास हजूरी में चले जाते हैं, मैं और आप। सो इन दुखों से ना घबराएं, ना परेशान हो, दुआ जरूर करें। आगे चलते हैं, उनकी दुआ पर भी गौर करते हैं जो दुआ उन्होंने की। आप 10वीं आयत को पढ़ें तो 10वीं आयत में लिखा है कि ये रूहें क्या कहती हैं, और यहां पर लिखा है, और वो बड़ी आवाज से चिल्ला कर बोली, ए मालिक, ए कदूस और बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। ये वो सवाल है जो मेरे और आपके दिल में है, और ये वो सवाल है जो उन रूहों के दिल में भी है जो कुर्बान का पर मौजूद है, और वो एक ही सवाल खुदा से करती हैं कि ए खुदा, ए कद्दूस, ए बरहक,
तू कब तक इंसाफ नहीं करेगा? तू जो सच्चा मुंसिफ है, तू क्यों इंसाफ में देर कर रहा है? तू क्यों इंसाफ नहीं करता और हमारे खून का बदला नहीं लेता? लोग इसीलिए इनके इरादे मजबूत हो जाते हैं, इनके हाथ पत्थर उठाने के लिए इसलिए तेजी करते हैं क्योंकि इंसाफ नहीं किया जाता इस दुनिया में। तो बिल्कुल खुदा के इंसाफ के बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा कि वो क्यों इंसाफ नहीं कर रहा उनका, लेकिन इस दुनिया में तो बिल्कुल, और खास तौर पर हमारे मुल्क में तो इंसाफ नाम की कोई चीज इस सिलसिले में मौजूद ही नहीं है। शायद आपको पता ना हो कि सानहा सरगोधा के बाद भी 2-3 लोगों को डिटेन किया गया है, उन पर इसी कानून के तहत FIRs काटी गई हैं। क्या बनेगा कोई नहीं जानता, लेकिन इंसाफ नाम की कोई चीज आपको यहां पर नहीं मिलेगी। आपको यह दुआ बड़ी फर्क लगती है क्योंकि जब स्तिफनुस ने दुआ की, जब उस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, तो उसने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर दे, इनको माफ कर दे। लेकिन यह दुआ ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह दुआ खुदा के इंसाफ की दुआ है। अगर आप जबूर 94 उसकी पहली 4 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, ऐ खुदावंद, ऐ इंतकाम लेने वाले खुदा, ऐ इंतकाम लेने वाले खुदा जलवागर हो, ऐ जहान का इंसाफ करने वाले उठ, मगरूरों को बदला दे, ऐ खुदावंद शरीर कब तक शादियाना बजाएंगे और बकवास करते और बड़ा बोल बोलते रहेंगे, सब बदकारदार लाफजनी करते हैं, ऐ खुदावंद वो तेरे लोगों को पीसे डालते हैं। ज़बूर नंबर 94 और उसकी पहली 4 आयत और 5वीं आयत का पहला हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है। खुदावंद इंसाफ कर, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं होता इस दुनिया में भी, जब तक हमारी गवर्नमेंट, जब तक इवान के इवानों में रहने वाले लोग, जब तक मसनद की आला कुर्सी पर मसनद नशीन होने वाले लोग, जब वो अपने मुल्क में बसने वाले लोगों का इंसाफ नहीं करेंगे, ये लाफजनी बढ़ती रहेगी, ये बदकिरदारी बढ़ती रहेगी, ये बड़ा बोल बढ़ता ही जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है। खुदावंद उनके उन ये रूहें खुदावंद से पूछती हैं कि इंसाफ क्यों नहीं हो रहा, क्यों इंसाफ नहीं हो रहा। वो इंसाफ मांग रहे हैं। अगरचे पाकलाम में अगर आप मत्ती का अंजीली बयान 5:44 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि अपने दुश्मनों को भी माफ कर दो, लेकिन यहां पर बात महज माफी की नहीं है। यहां पर हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां पर हमें इस दुनिया में अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करने के लिए कहा गया, लेकिन ये उस दौर की बात हो रही है यहां पर जब खुदा के इंसाफ का वक्त करीब होगा। सो ये लोग दुआ करते हैं कि ऐ खुदावन तू क्यों इंसाफ नहीं कर रहा हमारा, लेकिन खुदा उनको सफेद जामे अता करता है। यहां पर लिखा है कि उनको, उनमें से हर एक को एक सफेद जामा दिया गया, इससे पहले कि उनको जवाब दिया जाता उनको एक सफेद जामा दिया गया। यह सफेद जामा
एक खास बात की तरफ निशानदेही करता है और ये उनको बताता है कि तुम पाक और साफ हो, यू आर नॉट गिल्टी। इंसाफ खुदावंद कहता है मैं जरूर करूंगा, लेकिन मेरे इंसाफ का पहला कदम यह है कि तुम ये सफेद जामे पहनो, क्योंकि तुम गुनहगार नहीं हो, तुम पाक और साफ और रास्तबाज हो, और जब भी फैसला होगा वो तुम्हारे हक में होगा। खुदावंद उनको गारंटी दे रहे हैं, खुदावंद उनको सफेद जामे दे रहे हैं ताकि वो पहने, और ये जामे बर्रे के खून से धोकर पाक और साफ किए गए हैं। और उसके बाद खुदावंद उनको कुछ और कहता है, और वो ये है कि कुछ देर उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, थोड़ी मुद्दत और आराम करो। यू जस्ट बी पेशेंट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम करो, जब तक तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करनी हैं उनकी जानें कुर्बान ना हो जाएं, वो शहादत के मर्तबे तक ना पहुंच जाएं, उतनी देर तक तुम आराम करो। मैं जानता हूं कि इस बात को समझना हमारे लिए मुश्किल है, हम फौरी फौरी इंसाफ चाहते हैं इस दुनिया में भी और खुदा की तरफ से भी। हम कहते हैं कि अगर दुनिया के हुक्मरान इंसाफ नहीं कर रहे तो ऐ खुदावंद तू आ जा, तू हमारा फौरन इंसाफ कर दे, लेकिन खुदा ऐसा नहीं करते। हम नहीं जानते कि इन शहादतों से कितने लोग खुदावंद के पास आ जाते हैं। आप जानते हैं कि जब स्तिफनुस को शहीद किया गया तो जिस शख्स के पांव पर कपड़े रखे गए थे ताकि वो स्तिफनुस के कपड़ों की निगेबानी करे, वो शख्स बाद में पालूस के नाम से जाना गया और उसने यूरोप में कलीसियाएं कायम की, लाखों मील का फासला तय किया, इंजील की मुनादी की और हजारों लाखों रूहों को यीशु के लिए जीतने का सबब बना। और वो खुद उस वक्त जीता गया जब स्तिफनुस को शहीद किया जा रहा था। इसलिए हम नहीं जानते, मेरा ईमान है कि जब भाई नजीर का यह वाक्या सरगोधे में पेश आया, उसका जनाजा हुआ, मेमोरियल सर्विस हुई, तो यह बहुत मुमकिन है कि हम नहीं जानते, हमारे पास कोई आला नहीं है किसी की को मापने का, लेकिन मेरा जाती मेरा शख्सी मान है कि बहुत से लोगों ने यीशु के बारे में हकायक को कबूल किया होगा। अगर आपने वो क्लिप्स देखे जो मैंने पैगाम वहां पर दिया, जो डायरेक्ट बराह रास्त मुनादी है इंजील की, मुझे यकीन है कि वहां पर जो बेशुमार लोग मौजूद थे उन्होंने उस पैगाम को सुना। खुदा के कलाम का यह बीज किसी ना किसी दिल में जरूर पौधा बनेगा। इसलिए जब ऐसे वाकयात होते हैं, जब ऐसे दुख आते हैं कलीसिया पर, तो ये कलीसिया की बंदिश नहीं होती बल्कि ये कलीसिया की बढ़ती होती है। कलाम तरक्की करता है, हमें कलाम को पेश करने के लिए ज्यादा जुरत और दिलेरी मिलती है और फिर कलीसिया बढ़ती है, तरक्की करती है। इसलिए अगर हमारे मुल्क में भी अगर कोई शख्स ये समझे कि इन वाकयात की बदौलत वो कलीसिया के वजूद को खत्म कर देंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि जितने वाकयात होंगे उतनी कलीसिया तरक्की करेगी और यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाएगा इस मुल्क में। ये मेरा ईमान है।
अब आते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि दो दुआएं हैं। ये पहले लोग थे जो आसमान पर हैं, दुआ कर रहे हैं। दूसरे लोगों के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये गंदे लोग हैं। यहां पर इनके बारे में लिखा है कि ये गुनहगार हैं। पहले लोगों के बारे में आपने देखा कि वो खुश हैं, आराम की हालत में हैं, इसीलिए खुदावन ने उनसे कहा कि थोड़ी देर और आराम कर लो। गोया वो आराम की हालत में हैं, लेकिन ये लोग आराम की हालत में नहीं है। दे आर पैनिक, घबराए हुए हैं, और ये घबराए हुए हैं अपने गुनाहों की वजह से। और हो क्या रहा है जमीन पर? आसमान पर आपने मंजर देखा, शहीदों की रूहें हैं कुर्बानगाह के पास, कहती हैं खुदा तू कब इंसाफ करेगा, और खुदा कहता है कि थोड़ी देर और आराम कर लो। जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर वो क्या देखता है कि जब छठी मोहर खुली तो मैंने एक बड़ा भूंचाल आया, और सूरज कमल की मानत काला, और सारा चांद खून सा हो गया, और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। यह सूरत हाल है जमीन पर। एक आलमगीर मुसीबत का यहां पर बयान किया गया है। यहां पर मुसीबतों का आगाज हो चुका है, और यहां पर जमीन पे जलजले या भूंचाल आ रहे हैं। और यह भूंचाल भी आम नहीं है, बल्कि ये भूंचाल एक ऐसी कुवत और ताकत से हैं जिससे जमीन के सारे टापू, सारे बड़े आजम, सारे जजायर उनके वजह से हिल जाते हैं। और फिर सूरज के बारे में लिखा है कि सूरज कमल की मानत, कमल एक कपड़ा है जिसको हम कहते हैं जो बालों से बनाया जाता है, काला स्याह, और इसका लिबास पहनते थे कमल। ये लिबास भी पहना जाता था, लोग मातम करने वाले लोग ये लिबास पहनते थे। सो इसका मतलब यह है कि ये मातम की कैफियत है, ये मातम का मंजर पेश करता है। और ये पहली मर्तबा है छठे बाब में जब भूंचाल या जलजले का जिक्र मुकाशवा की किताब में किया गया है। ये जलजले हमारी मालूम दुनिया में कोई नए नहीं हैं। आज तक जो इंसानों की मालूम तारीख है, वो तारीख जिस तक साइंसदान या मुवर्रखीन पहुंच पाए हैं, उस तारीख से लेकर आज के दिन तक दुनिया में 13 मिलियन लोग, 1,30,00,000 लोग सिर्फ जलजलों की वजह से इस दुनिया से जा चुके हैं, इस धरती पर से खत्म हो चुके हैं। शायद आपको याद हो 2004 दिसंबर का महीना, सुनामी आया था पैसिफिक ओशन में, जिसने बहुत से मुल्कों को हला के रख दिया था। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर 3,00,000 लोग दिसंबर 2004 में आने वाले जलजले की वजह से, जो समुंदर की तह में है जिसको हम सुनामी कहते हैं, उसकी वजह से लुकमाए अजल बन गए थे। आप अंदाजा कीजिए कि जलजले किस कदर नुकसान का सबब बने। और यहां पर लिखा है कि फिर उसने देखा कि आसमान के सितारे जमीन पर गिर पड़े, और जोर की आंधी जैसी कैफियत थी। तारीख ये बताती है कि जब जलजले आते हैं कुछ ही देर में हजारों लाखों लोग और जमीन वीरान बंजर हो जाती है। इस कदर शिद्दत के साथ ये जलजले आते हैं। हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से शहाबे साकब
अजराम फल्क जमीन पर अक्सर व बेशतर गिरते रहते हैं, उनकी भी एक अलग तारीख मौजूद है जिसका मैं यहाँ पर अभी सुबह, अगरचे मेरे पास ये हकायक मौजूद हैं लेकिन आज सुबह मैं उनको बयान नहीं करूँगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसका यहाँ पर बयान किया गया है। क्या देख रहे हैं वो लोग? वो देखते हैं कि ज़मीन पर एक जुग्राफियाई तौर पर और कायनात में एक बहुत बड़ा भूंचाल जैसी कैफियत है। आसमान पर है बल्कि पूरी कायनात इसका शिकार हो रही है। दुनिया में आगाजी से लोग इसी कायनात की पूजा पर प्रस्तुत करते आए हैं, कोई चांद की, कोई सूरज की, कोई सितारों की, कोई पहाड़ों की, कोई आग की, कोई पानी की प्रस्तुत करता आया है, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि कायनात में स्टेबिलिटी है। लेकिन आज यूं लगता है कि ये स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है और आज कायनात अपनी जगह से हिल रही है, सरक रही है, कोई चीज अपनी जगह पर मौजूद नहीं रही। अब आप मेरे साथ देखें कि वो कहते क्या है वो लोग। वो लोग यहां पर लिखा है कि छुप गए जाकर गारों और पहाड़ों में और उनकी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि वो खुदा जो तख्त पर बैठा है उसकी नजरों से छुप जाएं, उसकी नजरों से छुपना चाहते हैं। इस जजमेंट ने, इस अदालत ने उनके दिल खौफ से भर दिए हैं। आपको मैंने बताया था कि जब हम पर जुल्म होता है तो देखने से हमें खौफदारी होता है, लेकिन दर हकीकत हम उस वक्त खुदा के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग इस वक्त खौफ से भरे हैं और ये पहाड़ों और घारों में जाकर छुप गए हैं और ये चाह रहे हैं कि ये उनको छुपा लें। कौन लोग हैं ये? यहां पर इन लोगों के बारे में लिखा है, जमीन के बादशाह, अमीर, फौजी सरदार, मालदार, जोरावर, गुलाम और आजाद तमाम लोग। उस दिन कोई तफरीक बाकी नहीं बचेगी, बादशाहों के ताज उनके सरों से गिर जाएंगे, फौजी वर्दियां जाती रहेंगी और कोई गुलाम कोई आजाद सब बराबर हो जाएंगे उस दिन। और सबके मुंह पर एक ही बात होगी, वो छुप जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें खुदा की नजरों से, बर्रे के गजब से हमें छुपा लो। दो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल होते हैं खुदा के गजब के लिए। एक लफ्ज है थोमास, इस लफ्ज का मतलब है फौरी तौर पर गुस्सा आना। जब हम किसी के साथ बातचीत कर फौरी तौर पर हम गुस्से में आ जाएं, थोमास। और दूसरा लफ्ज है ऑर्गे, ऑर्गे का मतलब है सुनते रहें तहमल करते रहें, लेकिन एक वक्त आए जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए और फिर गुस्सा आए। दुनिया की तारीख में खुदा रोजे अव्वल से बर्दाश्त करता चला आ रहा है, लेकिन मुकाशवा की किताब उसका छठा बाब और उसका यह हिस्सा 12वीं आयत से बयान करता है, खुदा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब खुदा उनसे बदला लेने के लिए और शहीदों की रूहों का इंसाफ करने के लिए तैयार है। अब वो तमाम लोग जो जुल्म के रसिया थे, वो लोग जो अपने आप को गरीबों पर जुल्म करते हुए फख्र महसूस करते थे, आज खुद छुपते फिर रहे हैं और वो पहाड़ों और घरों और चट्टानों में छुपे हैं और उनसे कहते हैं कि हम पर गिर पड़ो। एक और बात
पर गौर कीजिए, अदालत के इस वक्त में ये लोग जिनको मैंने कहा था कि ये नापाक गंदे लोग गुनहगार हैं, ये जो आज हमें बड़े आला नजर आते हैं इस दुनिया में, ये लोग गुनहगार, और इनके बारे में यहां पर लिखा है कि उस वक्त भी ये खुदा को नहीं पुकारते। अगर आप गौर से देखेंगे तो वो पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजरों से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रे के गजब से छुपा लो। ये जो रूहें थी खुदा के कुर्बानगाह के पास, मजबे के पास, ये तो पुकार रही थी खुदा को, लेकिन ये लोग अब भी अगरचे ये बड़ी तकलीफ में हैं, बड़ी मुसीबत में हैं और खुदा के गजब के तहत हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खुदा को नहीं पुकारते, चट्टानों को, नेचर को पुकार। से बच जाएं, लेकिन ये नेचर, इसका तमाशा तो वो अपनी आंखों से देख रहे थे। ये पहाड़, ये चट्टाने उनको बचाने के लायक नहीं थी। अगर ये इनको गिर भी जाती इन पे, या गिर भी जाए इन पे और ये मर भी जाए, तो भी खुदा के गजब से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि ये सीधे बराह रास्त नॉन स्टॉप जहन्नम की राह पर हैं, इसलिए बचेंगे नहीं। इनके आवाज और अल्फाज में आपको गुनाहों का इकरार नजर नहीं आता, गुनाहों का इकरार नहीं नजर आता, बल्कि ये एक ऐसी कैफियत में है जहां पर कोई शख्स तब्दील होने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीजो, आज सुबह जो ख्याल मैं आपके साथ रखना चाहता हूं, एक दिन आएगा जब खुदा इंसाफ करेगा। बतौर ईमानदार अपने इंसाफ को मसीह मसलूब पर छोड़ दीजिए, वो आपसे वादा करता है एक दिन आपका इंसाफ किया जाएगा, और एक दिन वो तमाम लोग जो इस वक्त ताजदार हैं, ये इनके इख्तियारात, इनकी कुव्वत और ताकत, सब कुछ जाता रहेगा और ये यीशु की स्लीब के सामने बेबस हो जाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं हमें उसकी नज़र से तख्त पर बैठा है और बर्रे के गज़ब से छुपा लो, हमें उस बर्रे के गज़ब से जो स्लीब पर मसलूब हुआ उसके गज़ब से बचा लो। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के जोर में दुआ के लिए झुकाएं, और हम खुदावंद का शुक्र अदा करें इस ईमान के लिए जो खुदा ने आपको दिया है, इस ईमान के साथ अगर हम इस दुनिया से चले भी जाएं, तो भी खुदावंद यीशु हमें कहते हैं, मैं तुझे जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आइए उस जिंदगी के ताज को पाएं, उसको पाने के लिए कोशां रहें बगैर खौफ के, और अपने इंसाफ को खुदावंद पर छोड़ दें। खुदावंद खुद हमारा इंसाफ करने वाला है।